आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोची मेट्रो का सफ़र, जिसमें हम अलवा से शुरू करेंगे और महाराजा कॉलेज तक का ये सफ़र हमारा रहने वाला है। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और मेरे साथ में इस पूरे सफ़र को इंजॉय करें। अभी हम अलवा रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं और हम अभी टिकट लेकर ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहें और इस सफ़र का इंजॉय लें मेरे साथ में। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये अलवा का रेलवे स्टेशन है और ये यहाँ पर आप देखें आई लव मेट्रो एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है और इस तरह से ये पूरा क्लीन और साफ सुथरा मेट्रो। अभी एक ट्रेन जस्ट गई है, अभी दूसरी ट्रेन हमारी आ गई है, इस ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं। तो आइए ट्रेन के अंदर बैठते हैं और इस पूरे सफ़र का आनंद लेते हैं। ये कुछ वार्निंग वगैरह लिखी हुई हैं। ये अलवा का स्टेशन है, अलवा फेडरल बैंक, और ये अंदर का मेट्रो का सीन आपको दिख रहा है। अभी हमारा कोच का दरवाजा बंद हो गया है और अभी अलवा से शुरू होती है हमारी ट्रेन। अलवा पहला ही स्टेशन है जहां से ट्रेन शुरू हो रही है और आगे अभी ये ट्रेन बढ़ चली है। तो हम महाराजा कॉलेज तक जाने वाले हैं और ये आप देख पा रहे हैं बाहर का नज़ारा, खूबसूरत कोची शहर और उसका पूरा व्यू इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेट्रो से पूरा कोची आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये सफ़र किया तो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, आपको कैसा लगता है अपना कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। वैसे ये वीडियो थोड़ा पहले का है क्योंकि मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ और अभी कोस्टल भारत की यात्रा पे हूँ। तो अभी जैसे मैं कोची आया तो ये कोची का वीडियो है, लेकिन अभी मेरा सफ़र आगे बढ़ चुका है। कोस्टल भारत का 7000 किलोमीटर का मेरा ये सफ़र है, जिसमें ये वीडियो की शक्ल में, ब्लॉग की शक्ल में आपको मैं मेरे ट्रिप के अनुभव, ट्रिप का जो मैं देखता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश मेरी हो रही है। ये हमारा एक और स्टेशन आ गया है जिसको हमने क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से इस सफ़र में ये वीडियो की मैं बात करूँ तो ये पहले का वीडियो थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ और वीडियो की शक्ल में आपके पास आ रहे हैं। तो यदि आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो आपको लाइव अपडेट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा इंस्टा का आईडी है, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सफ़र का आनंद लेते रहें और इस मेट्रो के सफ़र का आनंद आप लेते रहें। और इसमें आप देखेंगे क्योंकि ये कोच्चि जो है केरला का एक मेन सिटी है और यहाँ पर हरियाली बहुत सारी है। ये अभी हमने एक और स्टेशन को क्रॉस किया है। इसी मेट्रो के सफ़र में दूसरी मेट्रो भी हमें बाजू से जाती हुई दिख जाती है। हर 8 मिनट में एक मेट्रो यहाँ पर आती है स्टेशन पे, 8 मिनट का गैप रहता है और अलवा तक जाकर अलवा से फिर वापस ट्रेन इसी रास्ते पे वापस चालू हो जाती है। तो हर स्टेशन पे 8 मिनट बाद ट्रेन जो है आती है, यानी दूसरी एक ट्रेन जाने के बाद दूसरी ट्रेन आती है। इस तरह से ये पूरा चलता है। मैंने ये सफ़र किया सुबह, मॉर्निंग का सफ़र है ये, तो इसमें ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, सीटिंग तकरीबन थी, सब बैठे हुए थे, सीटें खाली कम ही थी, कुछ लोग खड़े भी थे क्योंकि सीटिंग फुल हो गई थी, लेकिन फुल चल रही है। हाउसफुल जैसे होती है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वैसा यहाँ सुबह तो नहीं देखने को मिला। बाकी क्या सीन रहता है, शायद दिन में पैसेंजर बढ़ते होंगे। ये सुबह का टाइम था और ये तकरीबन 9 और 10 के बीच का टाइम है, इसमें सीटिंग पूरी जो है वो है, फुल है।
और इस तरह से ये सफ़र हम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो मैंने बताया आपको ये पूरा ट्रिप जो है, और ये यहाँ देखिए बहुत ही बड़ा एक चर्च हमें देखने को मिलता है मेट्रो से, जो कोची में काफ़ी बड़ा चर्च जो है, काफ़ी बड़े बड़े चर्च हैं जिसमें एक ये भी है। और ये हमारा एक और स्टेशन आ गया है कोची यूनिवर्सिटी। इस तरह से ये स्टेशन क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है महाराजा कॉलेज की तरफ, और महाराजा कॉलेज के बाद भी आगे 4-5 स्टेशन है, लेकिन क्योंकि मुझे महाराजा कॉलेज तक ही जाना था इसलिए मैंने ये वीडियो आपको महाराजा कॉलेज तक का ही दिया है। एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन बाजू में आती है, तो दो ट्रैक बने हुए हैं आने जाने के लिए। और ये आपको बाहर कोची का शहर का नज़ारा मेट्रो से देखने को मिल रहा है। एक बड़ी सी मस्जिद इसी मेट्रो के नज़दीक में है, बाकी ये कोची शहर का व्यू आपको मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ऊपर से कोची को देखने से, और आप देखेंगे तो हरियाली, नारियल के पेड़ और तरह तरह के दरख्त, काफ़ी हरियाली है, और साथ में काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो भी दिखता है, जो कोची ने प्रोग्रेस की है वो भी दिखती है, क्योंकि कोची केरला का सबसे बड़े शहरों में से है और एक फाइनेंशियल कैपिटल भी इसको बोलते हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है और वो हमें यहाँ मेट्रो से देखने को भी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने ये सफ़र किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी ये दूसरी ट्रेन भी क्रॉस कर रही है बाजू में, तो इस तरह से ये हमारा सफ़र जारी है। जैसे मैंने बताया आपको अलवा से आगे महाराजा कॉलेज तक 16 स्टॉप हैं, 16 जगह ये रुकती हुई स्टेशन पे आगे बढ़ रही है। टोटल अभी 24 स्टेशन काम कर रहे हैं, अलवा से लेकर के लास्ट तक जो स्टेशन है 24 स्टेशन है इसमें ये ट्रेन चलती है, लेकिन हम लोग 16 स्टेशन को ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, अलवा से लेके महाराजा कॉलेज तक। एमजी रोड के बाद महाराजा कॉलेज आता है, वहां तक हम जाने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे साथ में दूसरी ट्रेन चल रही है, यानी हर 8 मिनट में दूसरी ट्रेन आती है और वही सिस्टम से ये ट्रेनें चल रही हैं। ओवरऑल देखें अच्छा सफर ये रहा मेट्रो का, कोची मेट्रो का, और बाहर के नज़ारे जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही देखने में बहुत ही शानदार। और ये आप देखें एक और बहुत बड़ा चर्च हम क्रॉस कर रहे हैं, हम उसके पास से निकल रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी इमारतें इस शहर की जो हमें इस मेट्रो से देखने को मिलती हैं। और ये एक और स्टेशन जो हमने अभी पहुंचे हैं और यहाँ से वापस आगे चल पड़ी है। अलवा से ये मैंने देखा अलवा से ज़्यादा पैसेंजर चढ़े थे, और उसके बाद में रास्ते में बीच में कम ही पैसेंजर आ रहे हैं, लेकिन अलवा से ये फुल हो गई थी ट्रेन और अभी फुल ही चल रही है। आगे ये एमजी रोड तक शायद जाने वाले हैं या फिर आगे तक भी जाने वाले हैं। बाजू में दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है स्टेशन पे, दोनों साथ में यहाँ की रुकी हैं, ये उधर बढ़ जाती है, हम और आगे इधर बढ़ जाते हैं एमजी रोड की तरफ, महाराजा कॉलेज की तरफ, और वो अलवा की तरफ जाती है। अलवा क्योंकि जैसे मैंने बताया लास्ट स्टॉप है, वहाँ से ये ट्रेन वापस बैक घूम जाती है और इसके बीच में ये चलती रहती है, वापस अलवा तक जाएगी, अलवा से फिर वापस इधर के लिए घूम जाती है। तो इस तरह से ये पूरा सफ़र हमने किया। आप देखें
इस वीडियो में आपको देख भी रहे हैं कि इस मेट्रो के सफ़र में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अलग तरह का एक अनुभव मेट्रो का, और कोची शहर को इतनी हाइट से इतने ऊपर से देखने का जो अनुभव रहा वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। दूसरी ट्रेन हमें क्रॉस करती हुई स्टेशन से आगे बढ़ रही है और हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। स्टेशन पे तकरीबन आधा मिनट या एक मिनट ही ट्रेन रुकती है, ज़्यादातर स्टेशन पे कम ही रुकती है, पैसेंजर जैसे उतरे जैसे चढ़े फिर चल देती है। दो तीन फेस में इसका काम हुआ है ऐसा मैंने पढ़ा है। शुरू में जो अभी चल रही है उतने स्टेशन नहीं थे, दो तीन बार करके ये आगे आगे जुड़े हैं, और भी फेस इसके बढ़ने हैं, क्योंकि मेट्रो तब तक सफल नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं हो सकती जब तक पूरी सिटी को कनेक्ट नहीं कर दे। जैसे आपने यदि आपने देखा होगा दिल्ली या मुंबई जहाँ पर मेट्रो चल रही है, लेकिन वो सब जगह से कनेक्टेड है, एक दूसरी लाइनें कनेक्ट करती हैं, तो आपको कहीं भी जाना है तो आप एक बार मेट्रो में चढ़ गए तो आगे से आगे आपको बदली करते हुए चाहे आप अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं, जो आपका गंतव्य स्थान है, जो भी आपका टारगेट सिट, जो शहर, जो आपकी स्टेशन है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं मेट्रो में। लेकिन क्योंकि जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में भी जो मेट्रो है वो अभी सफल नहीं है, और ऐसे ही किसी भी सिटी में यदि आप एक जगह से दूसरी जगह तक का ही बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको पूरी सिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा, मेट्रो का जाल बिछाना पड़ेगा चारों तरफ, जो आप कहीं से भी चढ़े तो आप अपने स्थान तक मेट्रो के द्वारा पहुँच सकें। अलवा से हम चल रहे हैं और महाराजा कॉलेज तक जाएंगे, लेकिन यदि हमें दूसरी साइड में कहीं जाना है तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ मेट्रो नहीं होगी। लेकिन यदि हम दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें तो वहाँ हम आसानी से एक बार मेट्रो में चढ़कर और आगे हम अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मेट्रो का जाल बिछाना पड़ेगा, तभी मेट्रो सफल हो सकती है, अन्यथा इसका इतना खर्चा और इतना जो है वो यूजफुल नहीं है लोगों के लिए जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी उसमें। बाकी ये मेट्रो का सफ़र हम कर ही रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी हमारा स्टेशन जिस पे हमें उतरना है महाराजा कॉलेज, वो भी आने ही वाला है। Please mind the gap between the train and the platform. Platforminum ഇടയിലുള്ളതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ये हमारा महाराजा कॉलेज का स्टेशन आ गया है और यहाँ हम नीचे आ गए हैं मेट्रो से। तो इस तरह से ये सफ़र हमने पूरा किया इस मेट्रो के द्वारा। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये सफ़र हमारा चल रहा है कोस्टल भारत का, उसमें पूरी सीरीज के द्वारा आपको हर एक जगह का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो पूरा सीरीज देखें चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आप भी इस पूरे ट्रिप का आनंद ले सकें। अभी हम मेट्रो से बाहर, स्टेशन से बाहर आ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।